हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अ वार्म वेलकम टू ममाज एंड अम्मास किचन, वेयर वी एस्पायर टू ब्रिंग द डेलिकेसी ऑफ इंडियन क्यूजीन। इट्स विंटर सीजन एंड वी ऑल लाइक टू हैव सम हॉट एंड क्रिस्पी स्नैक्स, सो लेट्स मेक मूंग दाल भजिया व्हिच इज वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया बट मेड एंड सर्व्ड इन डिफरेंट वेज। द वन व्हिच वी आर गोना मेक टुडे इज वेरी यूनिक रेसिपी एंड इट्स क्वाइट डिलीशियस एज वेल। आज हम मूंग दाल भजिया बनाएंगे जो कि इंडिया के लगभग हर शहर में अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, पर जिस तरीके से आज हम बनाएंगे वो ज़रा हटके है। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल भजिया। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। मूंग दाल भजिया बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मूंग दाल, 4 से 5 लहसुन की कलियां, एक हरी मिर्च, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हींग और तलने के लिए तेल। दाल को मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो लिया था। अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में दरदरा पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा, ज़रूरत हो तो इसमें 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा डालोगे तो घोल पतला हो जाएगा। I've already soaked this lentil for 1 hour. Now we'll drain the water and will coarsely grind it. If required, just put 2 tablespoons of water for grinding, else its consistency will be runny and we won't be able to fry. Now we'll grind garlic and green chili and we'll put this paste in the batter. आप देख सकते हैं दाल दरदरी पिस चुकी है। अब हम उसी जार में लहसुन और हरी मिर्च दरदरा पीस लेंगे और इसे दाल के घोल में डाल देंगे, और साथ ही साथ हम बाकी की चीज़ें भी डाल देंगे इसमें, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हींग, और ध्यान रखिएगा नमक इसमें अभी नहीं डालना है। नमक हम इसमें तभी डालेंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे, नहीं तो ये घोल पतला हो जाएगा, पानी छोड़ देगा नमक डालने से। To this we'll add rest of the ingredients like red chili powder, coriander powder, turmeric powder and asafoetida, and I'm not gonna put salt right now, we'll put it just before frying. So let's beat this for 4 to 5 minutes or until it gets fluffy. On the other side, I have taken oil in a pan for deep frying our bhajiyas on medium heat. दूसरी ओर मैंने मध्यम आंच पे तेल रख दिया है भजिया तलने के लिए। जैसे ही तेल गर्म होना शुरू हो जाए हम घोल में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से मिला लेंगे। As soon as oil is heated, we'll add salt in the batter and we'll mix it properly. Now we'll drop small portions of the batter in the oil and we'll deep fry them. अब हम भजिया तल लेते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा ही होता है इसलिए मैंने इसे ऐसे बनाया है। आप चाहो तो बड़ा बनाइएगा, आप चाहो तो छोटा बनाइएगा। लीजिए, हमारे भजिया तो तल के तैयार हो चुके हैं। आप इसे पुदीने की चटनी या इमली और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आवर भजियास आर रेडी, यू कैन सर्व इट विद मिंट चटनी और टैमरिन एंड ग्रीन चटनी, एज वी ऑलरेडी शेयर्ड इट्स रेसिपी एंड यू कैन गेट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और एल्स यू कैन सर्व इट लाइक दिस विद ग्रेटेड बीट्स, कैरेट्स एंड दोस चटनीज ऑन टॉप ऑफ इट। इट रियली टेस्ट सो डिलिशियस एंड फिंगर लुकिंग गुड। आप इसके ऊपर गाजर और चकुंदर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, और साथ ही साथ दोनों चटनी डालिएगा और मज़े से खाइएगा इसे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। शब्बा खैर। गॉड ब्लेस।